Good evening to all of you. Myself AK Singh and you are watching Future Zone Classes. Today I am going to deal vector, resolution of vector. Means, आज हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 11th फिजिक्स में वेक्टर का रिजोल्यूशन सीखेंगे. क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? यू कहें स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर. अभी तक हमने वेक्टर का जोड़ और घटाव मींस एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे हैं. कैसे दो वेक्टर को जोड़ते हैं, घटाते हैं. वेक्टर के स्पेसिस डायरेक्शन मींस एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कैसे यूनिट वेक्टर का हेल्प लेते हुए हम वेक्टर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम किए हैं. आज अपने को करना है वेक्टर का रिजोल्यूशन. मींस एक दिए हुए वेक्टर को अपने नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट करना. लेकिन स्प्लिट तो उसी कॉस्ट पर ना सही माना जाएगा कि जिस वेक्टर को हम स्प्लिट किए हैं वापस से अगर एडिशन करें, सबमिट करें, तो जो रियल वेक्टर था वो आ जाए. तो दो वेक्टर के स्प्लिटिंग का मतलब कि हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अलग अलग डायरेक्शन में तोड़ना. अब उन वेक्टर को अगर हम तोड़ रहे हैं तो फिर से वापस से जोड़े भी तो जितना वेक्टर था उतना मिलना चाहिए, तब वो स्प्लिटिंग क्या कहलाएगा सही, अदरवाइज कुछ रॉन्ग हम किए हैं. वही अपने को करना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. इट इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर के एडिशन का जस्ट इनवर्स प्रोसेस है. उसमें वेक्टर को जोड़ते थे, इसमें वेक्टर को तोड़ेंगे. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. जैसे मान लो अपने पास ए कोई वेक्टर है. अब इस वेक्टर का मुझे कुछ ऐसा नीड पड़ रहा है, कुछ ऐसा जरूरत पड़ रहा है, इसको हम कुछ एक्स डायरेक्शन में और कुछ वाई डायरेक्शन में जानना चाह रहे हैं. इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कितना वैल्यू होगा और इस वेक्टर का वाई डायरेक्शन में कितना वैल्यू होगा, मे बी पॉसिबल. अब इसका एप्लीकेशन, जैसे मान लो कि जरूरत नहीं है कि हर हमेशा हम वेक्टर को एक्स और वाई में ही तोड़ेंगे. अकॉर्डिंग टू नीड, हम बार बार बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड, अपने को उस वेक्टर को तोड़ने का जरूरत क्या है, किस कारण से हम तोड़ रहे हैं और किस डायरेक्शन में तोड़ने हैं, वो नीड के हिसाब से डिफाइंड होंगे. जैसे आप एक एग्जाम्पल देखो, प्रैक्टिकली एक ये इंक्लाइंड सरफेस है, इस इंक्लाइंड सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को आप रखे हुए हो, सही. तो इस ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्ट इस सरफेस के साथ बना हुआ है और इसका टेंडेंसी इस सरफेस के अलोंग स्लाइड करने का ही है. आप जानते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट mg जो होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, ये एक फोर्स है. अब इस फोर्स से हमें नहीं पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना फोर्स के साथ इधर खिसकना चाहेगा या फिर कितना फोर्स के साथ इस ऑब्जेक्ट में ग्रिपिंग बना के रखे हुए है, कॉन्टेक्ट बना के रखे हुए है. तो अपने नीड है यहाँ पे इस वेक्टर को हम एक बार इधर और ऐसे इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक अलोंग द प्लेन तोड़ सकते हैं. यहाँ पर तो कोई अब एक्स और वाई डायरेक्शन नहीं है, बट हम इस वेक्टर को जो कि इस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट था दो पार्ट में तोड़ दिए. उस वेट का कुछ पार्ट इधर आएंगे जो कि जो भी हो, मान लो कि कुछ भी हो जाए एक्स डैश है और ये वाई डैश है. एक्स डैश वाला वैल्यू क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने की कोशिश करेगा और वाई डैश वाला वैल्यू क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट बना के रख रहा है. तो यहाँ पे हम दो डायरेक्शन में तोड़ लिए. वैसे ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम इसको ऐसे फोर्स ला खींच रहे हैं कुछ एंगल पे, तो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है कि धीरे धीरे आगे बढ़े, या अगर उतना हम सफिशियंट फोर्स दे पा रहे हैं तो हो सकता है कि समय के साथ ये ऊपर भी जाए. तो अगर हम इस फोर्स को बोले कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो बताओ इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कितना वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमें इस फोर्स का ये कंपोनेंट चाहिए. तो नीड के हिसाब से हम किसी भी वेक्टर को अपने डिजायर डायरेक्शन में एक्सप्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. इसी के बारे में अपने को आज डिस्कशन करना है. ओके, चलिए अब यहाँ पे एक साइड हेडिंग डालिए, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर
डायरेक्शन, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम जनरली कह रहे हैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन, जनरली एक्स एंड वाई डायरेक्शन, बट कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स और वाई ही होगा, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने को तोड़ना है। चलो हटाओ एक्स और वाई को, लगा दो। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो दो डायरेक्शन है वो आपस में कैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तब उस वेक्टर को अपने को तोड़ के डालना है। अब यहां मान लीजिए अपने पास कोई एक वेक्टर है ए, कोई एक वेक्टर है ए, इसको मुझे तोड़ने हैं एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, क्योंकि अभी तो अपने पास पता नहीं है कि इस वेक्टर का नीड क्या है, बट दो स्टैंडर्ड डायरेक्शन एक्स और वाई आपस में म्यूचुअली है, तो इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली इसको हम तोड़ के दिखा रहे हैं कि तोड़ेंगे कैसे। चलिए यहां पर एक एंगल थीटा, क्योंकि वेक्टर दिखा रहा था, कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिखाओगे, ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल पर है, ये पूरा वेक्टर ए है, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, लंबाई, वो ये लंबाई कितना है स्मॉल ए, मान लो ये पॉइंट कुछ बी है। अब यहां पे इस वेक्टर ए को, इस वेक्टर ए को आप गौर से देखो, दिस वेक्टर और प्लस दिस वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से अगर आप देखो गौर से, तो दिस वेक्टर एक्स डायरेक्शन वाला वेक्टर और प्लस वाई डायरेक्शन वाला वेक्टर वापस से जो अपना डिजायर वेक्टर था वो दिखा दे रहा है। मींस किसी वेक्टर ए को हम दिस प्लस दिस के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, मींस कह सकते हैं कि हम ए को दो डायरेक्शन दिस और दिस में तोड़ सकते हैं। आप देख लो पैरेललोग्राम लॉ से, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर गिव्स दिस वेक्टर, मींस क्लियरली यहां पर पहले इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए अगर आप साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बाई ओ ए, ए बी बाई ओ ए, ए बी बाई ओ ए लेंथ में कितना है ए, सॉल्व करो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा, एंड कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ओ बी बाई ओ ए, ओ बी बाई ओ ए, ओ बी बाई ओ ए लेंथ में कितना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, यहां से आप ओ बी निकालो वैल्यू कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा, मींस ए बी लेंथ निकल गया ए साइन थीटा और ओ बी लेंथ निकल गए ए कॉस थीटा। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर आप एक चीज देख पा रहे हो, ओ ए जो वेक्टर है, ओ ए जो वेक्टर है वो ओ बी प्लस, ओ बी प्लस बी ए है, देखो ओ बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, सॉरी बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से दिस और प्लस दिस गिव्स दिस, ओ ए वेक्टर एक्चुअली क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ओ बी की डायरेक्शन का वैल्यू है, ये ए का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, और ये ए का कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में लंबाई कितना है अपने पास, ए कॉस थीटा, ओ बी का लंबाई कितना है, ए कॉस थीटा, और ओ बी किस डायरेक्शन में वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स कॉस थीटा और एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ लगा देते हैं आई, प्लस बी ए, बी ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है कितना, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और इसके साथ क्योंकि ये y डायरेक्शन के वेक्टर है तो क्या लग जाएंगे, j वेक्टर, j कैप, मींस इस a वेक्टर को हम कंप्लीटली दो अलग अलग वेक्टर में तोड़ दिए, एक x डायरेक्शन के वेक्टर में और एक y डायरेक्शन के वेक्टर में, मींस a वेक्टर बन गया a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j, जहां पे थीटा क्या है, इस वेक्टर का x एंड x एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है, सही है, मींस अब ये वेक्टर ए अलग अलग दो वेक्टर में स्प्लिट हो गए और वापस से दोनों का समेशन कितना दिख रहा है, समेशन कितना दिख रहा था, वेक्टर ए
ए मींस कह सकते हैं ये वेक्टर ए एक्स डायरेक्शन में कितना वैल्यू दिखा रहा है ए कॉस थीटा आई और वाई डायरेक्शन में कितना वैल्यू दिखा दे रहा है ए साइन थीटा जे। क्लियर। अब अगर एंगल यहां पे बना है एक्स एक्सिस के साथ तो एक्स वाले कंपोनेंट में क्या आया है कॉस थीटा। पहले आप इतना नोट करो तो सिमिलरली अगर अपने पास कोई वेक्टर ए वेक्टर था इसको अपने को दो डायरेक्शन में तोड़ना था एक्स में और वाई में बट इस बार थीटा वाई एक्सिस के साथ दे दिया थीटा वाई एक्सिस के साथ दे दिए तो थीटा अगर वाई एक्सिस के साथ दे दिया तो ये लंबाई कितना होगा ए कॉस थीटा और ये लंबाई कितना होगा ए साइन थीटा। देखो यहां पर ये एंगल बना है ये क्या है बेस बन गया बेस पर क्या आता है ए कॉस थीटा और परपेंडिकुलर पर ए साइन थीटा वापस वही ट्रायंगल लॉ लगाओगे ये वैल्यू निकल के आ जाएगा ये पूरा वेक्टर कितना था ए वेक्टर। अब इस वेक्टर को तोड़ने का अपने पास दो रास्ता है एक दिस और दूसरा दिस दिस प्लस दिस गिव्स दिस। अब यहां पे गौर से देखेंगे तो जो वेक्टर ए है वो वेक्टर क्या दिखाई दे रहा है ए का एक्स कंपोनेंट प्लस ए का वाई कंपोनेंट वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट और प्लस वेक्टर बी का सॉरी वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट वेक्टर ए ए का एक्स कंपोनेंट कितना है ए साइन थीटा और एक्स डायरेक्शन में इसी कारण वेक्टर आई प्लस ए का वाई कंपोनेंट कितना है ए कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन का वेक्टर है तो जे का कैप। अब एक चीज गौर करके देखो ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे कब का था जब वेक्टर कुछ ऐसा एंगल बना रहा था तब एक्स के साथ एंगल बनाया है तब वेक्टर अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल बना करके डिस्कस कर रहा है तो कॉस थीटा कहां चल गया है वाई कंपोनेंट में और साइन थीटा आ गए हैं एक्स कंपोनेंट में। मींस सीधा सीधा एक बात याद रखोगे कि जब भी किसी वेक्टर को एक्सप्लिट करना होता है रिजॉल्व करना होता है तो जिस एंगल सॉरी जिस एक्सिस के साथ वेक्टर का एंगल दिया होता है उस एक्सिस के कंपोनेंट पे कॉस वाला वैल्यू आता है और अदर पे साइन वाला वैल्यू। यहाँ एंगल एक्स के साथ बना है तो आई कंपोनेंट में कॉस आया है और वाई कंपोनेंट में साइन गए हैं। यहाँ पे एंगल वाई के साथ बना है तो वाई कंपोनेंट में कॉस गए हैं और एक्स कंपोनेंट में साइन बच गया है। सही मीन्स क्लियर है किसी वेक्टर को अगर अपने को तोड़ना हो किसी वेक्टर को तोड़ना हो तो उस वेक्टर के उस कंपोनेंट पे कॉस डालेंगे जिस डायरेक्शन के साथ उसका एंगल बना हुआ है। तो यही है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर दो वेक्टर को हम तोड़ते कैसे हैं कंप्लीट एक वेक्टर ए दो अलग अलग डायरेक्शन ए का एक्स डायरेक्शन और ए का वाई डायरेक्शन जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर था टूट गया। अब इससे फायदा क्या है फायदा दिखाते हैं पहले इसको नोट कीजिए। आप ट्रायंगल लॉ पॉलीगन लॉ या पैरेललोग्राम लॉ पॉलीगन लॉ को छोड़ दो चूंकि उसमें कुछ मैथमेटिक्स हो नहीं पाया था ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में एक बार में एट ए टाइम आप केवल और केवल दो वेक्टर जोड़ पा रहे थे दो से ज्यादा वेक्टर जोड़ने के लिए परेशानी। जैसे मान लो कि अपने को जोड़ना पड़े एक वेक्टर हम यहाँ दे दे प्लस दूसरा वेक्टर ऐसे दे दे और तीसरा वेक्टर कुछ मान लो इस तरीके से दे दे अपने पास तीन अलग अलग डायरेक्शन का वेक्टर आ गया बोले कि तीनों को जोड़ो तो रिजल्ट वेक्टर किधर जाएगा और कितना वैल्यू के आएंगे। तो चलो किसी दो को सटा के तो हम एक बार वेक्टर बना देंगे कि दिस प्लस दिस तो ये इस डायरेक्शन में था और ये इस डायरेक्शन में थे तो रिजल्ट आ जाएगा इसका
इस डायरेक्शन में, मतलब इस दोनों का समेशन आ गया इतना। फिर इसके साथ इसको जोड़ना है तो ये और रियल कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब तीनों का रियल कुछ निकालोगे। लेकिन जब तक यहाँ पर एंगल जज नहीं करोगे, बिना एंगल जज किए हुए जोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, जोड़ना डिफिकल्ट हो जाते हैं। दो वेक्टर तक तो चलो सही है कि एंगल दिया होगा डायरेक्टली ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा पे काम कर देंगे। लेकिन जब अगर नंबर ऑफ वेक्टर प्रोवाइड करे, उस केस में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन करना खासे मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है कि उस दोनों का यूज करके हम एट ए टाइम दो वेक्टर ही जोड़ सकते हैं। अब अपने को ये तीन वेक्टर जो दिया हुआ था, इस तीनों को अगर जोड़ना पड़े, इस तीनों को जोड़ना पड़े, तो जोड़ने से पहले क्या करेंगे, सबको तोड़ देंगे। तोड़ देंगे मीन्स ये वेक्टर जब टूटेगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएंगे और एक कंपोनेंट इधर आएगा। मतलब ये टूट गया ना एक वेक्टर एक्स में और एक वेक्टर वाई में, इसका वजूद अब खत्म हो गया। इसके दो पार्ट तोड़ दिए, एक्स पार्ट और वाई पार्ट। फिर देखो ये वेक्टर ऐसे है, ऐसे है, तो इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर, और एक कंपोनेंट इधर। ये ही वेक्टर मान लो कि खत्म हो गया। जब इस वेक्टर को चलोगे तोड़ने, तो इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा और एक कंपोनेंट इधर टूटेंगे। समझ लो इसका भी वजूद खत्म हो गया। ये तीनों जो पैरेंट वेक्टर थे, इन तीनों को हमने एक्स वाई एक्स वाई एक्स और वाई में तोड़ दिया। क्लियरली अब ये तीनों वेक्टर समझ लो कि तुम्हारा खत्म हो गया। अब ये तीन वेक्टर से क्या मिल गया अपने को, छह अलग अलग वेक्टर मिल गए, जिसमें एक दो और तीन, ये तीन वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है और एक दो और तीन वेक्टर वाई डायरेक्शन में है। आप जानते हो एक्स डायरेक्शन मतलब सिंपल आई का आई के साथ समेशन करना होता है, तो ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स की तरह जोड़ देते हैं। जैसे मान लो कि जोड़ने तोड़ने के बाद ये वैल्यू आता 2i, ये वैल्यू आता मान लो 3i, और ये वैल्यू आ जाता क्योंकि एक्स के निगेटिव में है तो -4i। वैसे ही मान लो कि इसका कंपोनेंट कुछ आता 5j, ये निगेटिव में है तो मान लो कि आ जाता -j, और ये आ जाता मान लो कि 3j, ये भी निगेटिव में आता। तो x वाले को x के साथ जोड़ देते तो 3i प्लस 2i प्लस 3i 5i और -4i क्या बचता, x में टोटल मिला करके i, और y में कितना बचते 5j माइनस j और -3j, तो 5j और -4j j, y में वैल्यू कितना बचते j। अब इस दोनों का रिजल्ट निकालना है तो इस दोनों का रिजल्ट कितना हो जाता, इस तरीके से करके रिजल्ट वेक्टर कितना आ जाता आई प्लस जे। तो वेक्टर को तोड़ने से फायदा क्या होता है कि चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, वो टूट जाता है एक्स में और वाई में। उसके बाद सारे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट एक साथ जोड़ देते हैं, वो निकल जाते हैं एक्स डायरेक्शन का टोटल वेक्टर। फिर सारे वाई कंपोनेंट को एक साथ जोड़ देते हैं, वो निकल जाता है वाई डायरेक्शन का टोटल वेक्टर। सही, और क्या करते हैं उसके बाद x को और y को, हमें सारे वेक्टर को जोड़ने के बाद दो ही वेक्टर बचेंगे, एक x में और एक y में, उसका रिजल्ट निकालना बहुत आसान है, ओवर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, रिजल्ट सामने है, माथा पच्ची कम है। एक क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। Resolve the given vector into indicated direction, yeah, into x and y direction, into x and y direction। हमें एक वेक्टर है 10 न्यूटन का और ये x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। दूसरा वेक्टर है 4√3 न्यूटन का और ये वेक्टर y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। इस दो वेक्टर को आप तोड़ो,
तोड़ना सीखो, रियल करने के लिए हम कह रहे हैं कि इसको आप तोड़ो, पहला। दूसरा एक और लोग तीसरा वेक्टर, अपने पास एक इस टाइप का वेक्टर है फाइव रूट टू वैल्यू का, और ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, सही है। अब इसको हमें इसको 5√6 पे कैलकुलेशन गंदा हो जाएगा, 6√2 कर दो। अब अपने पास देखो पहला वेक्टर, क्योंकि पहले वेक्टर को तोड़ोगे तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के वेक्टर है। अब इस वेक्टर को देखो तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, निगेटिव। y कंपोनेंट इसके कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ, और x कंपोनेंट पीछे की तरफ, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर बनेगा ना, x भी निगेटिव आएंगे और y भी निगेटिव आएगा। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर बन जाएगा, x तो पॉजिटिव है बट y निगेटिव हो जाएगा। तो केवल वेक्टर देखने से पता चल जाएगा कौन वेक्टर किस क्वाड्रेंट का वेक्टर है। ये किस क्वाड्रेंट का वेक्टर बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव जाएगा, इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो x इधर टूटेगा और y इधर टूटेंगे। तो वेक्टर के डायरेक्शंस देख के पता चल जाएगा कि वेक्टर किस कंपोनेंट में टूटने वाले हैं, मींस फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में। आप इस वेक्टर को देखो, मान लो कि वेक्टर अपने पास a है, ये एंगल किसके साथ बना है, तो a का x कंपोनेंट कितना होगा, क्योंकि एंगल बना हुआ x एक्सिस के साथ, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, a cos 45 डिग्री। a cos 45 डिग्री, a का वैल्यू कितना है, 10 cos 45 डिग्री 1/√2, मतलब ये वैल्यू आ गया 10/√2, ऐसे कर सकते हो 5√2, 10/√2 का मतलब 5√2। ये क्या निकल गया, a का x कंपोनेंट एंड a का y कंपोनेंट तोड़ो, ये a का x कंपोनेंट है और इधर की तरफ टूट जाएगा a का y कंपोनेंट। a का y कंपोनेंट कितना होगा, a का sin थीटा, मतलब sin 45। a 10 sin 45 1/√2 वापस से 5√2, तो a का x कंपोनेंट भी निकल गया 5√2 और a का y कंपोनेंट भी निकल गया 5√2। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो a जो कंप्लीट अपने पास वेक्टर था वो कितना टूट जाएगा, 5√2 into i x कंपोनेंट प्लस 5√2 into j। एक 10 न्यूटन का वेक्टर था, उसको दो अलग अलग डायरेक्शन में तोड़े तो x में वैल्यू कितना आ रहा, 5√2 और y में वैल्यू 5√2। वापस से दोनों को जोड़ो तो √5√2 का स्क्वायर प्लस √5√2 का स्क्वायर, तो 5√2 का स्क्वायर मतलब √50 प्लस √50 √100, वापस से 10 मिल जाएगा। 10 का ओरिजिनल वेक्टर था, जोड़ने के बाद वापस से अपने को 10 वेक्टर मिल जा रहा है, लेकिन ये 10 वाला वेक्टर x में कितना वैल्यू लगा रहा है, 5√2 और y वाले में 5√2। चलो, और इस दोनों को पॉजिटिव इसलिए लिख रहे हैं कि x भी पॉजिटिव में है और y भी पॉजिटिव में है। जरा इसको देखो, यहां पर क्या है, एंगल किसके साथ बना हुआ है, y के साथ, एंगल बना हुआ है y के साथ, तो y कंपोनेंट में क्या आएगा, cos, ये वैल्यू क्या होगा, a का cos थीटा और ये वैल्यू क्या होगा, a का साइन थीटा। ऐसे भी आप इसमें लगा दो ट्रिगोनोमेट्री, ये पूरा लंबाई कितना है, ए वैल्यू कितना है 4√3, तो ये वैल्यू 4√3 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4√3 साइन थीटा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4√3 कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ए साइन थीटा, और ए का वाई कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस थीटा। अभी बोले हैं कि हमेशा उस कंपोनेंट पे कॉस डालोगे जिस कंपोनेंट जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बना हुआ है, एंगल किसके साथ बना हुआ है, वाई के साथ, तो वाई वाले कंपोनेंट में कॉस, एक्स वाले कंपोनेंट में साइन, तो निकाल दो वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 4√3 इंटू साइन 60 इंटू साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3 × 3 3 × 2 वैल्यू कितना आ जाएगा 6, और a का cos थीटा मतलब 4√3 का cos थीटा, cos थीटा मतलब cos 60 1/2 वैल्यू कितना आ गया 2√3
इसलिए कंप्लीट ए वेक्टर क्या लिखोगे, ए का एक्स कंपोनेंट, ए का एक्स कंपोनेंट इनटू आई, लेकिन आई नेगेटिव में, ए का एक्स कंपोनेंट इनटू माइनस आई प्लस ए का वाई कंपोनेंट इनटू माइनस जे, क्योंकि जे भी नेगेटिव है और आई भी नेगेटिव है, मींस कंप्लीट अपना जो ए वेक्टर था वो वेक्टर कितना आ जाएगा, ए का एक्स कंपोनेंट माइनस सिक्स आई माइनस सिक्स आई माइनस टू रूट थ्री जे, माइनस सिक्स आई माइनस टू रूट थ्री जे, और ये दोनों का माइनस दिखा रहा है कि एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, इसका एक्स भी माइनस में आएगा और वाई भी माइनस में आएंगे, तो अपने पास फोर रूट थ्री वैल्यू का जो इस डायरेक्शन के साथ वेक्टर थे इसको तोड़े एक्स में, तो एक्स में वैल्यू कितना आ गया छः और वाई में वैल्यू कितना आ गया टू रूट थ्री, जरा इसको जोड़ो तो वापस से वैल्यू कितना आ रहा है कि नहीं, फोर रूट थ्री जोड़ो तो ओवर रूट सिक्स का स्क्वायर और प्लस टू रूट थ्री का स्क्वायर राइटली, इस पे क्यों कर रहा है आई और जे, चूंकि इसके और इसके बीच कितना एंगल है 90, cos 90 वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 36 प्लस 3 तिहाई 9 चौका 36 72 4 root 3 into cos 61 by 2, 2 root 3, 2 root 3, दो दुनी 4, ti 12 है ना, 3, 4 root 3 का square 3 into 4, 12 ना आएगा ना, तो 36 plus 12, 48, 4 चौका 16 किया, 48, 4 root 3, मिल गया, तो जितने अपने पास ओरिजिनल वेक्टर थे इसका वैल्यू उतना ही आ रहा है, लेकिन ये एक्स और वाई में अलग अलग टूट जा रहे हैं, तो वेक्टर को तोड़ने का यही मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो उसको हम स्टैंडर्ड एक्स और वाई में तोड़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, खुद से करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो इस तरीके से वेक्टर को हम लोग तोड़ते हैं, वेक्टर को इस तरीके से तोड़ते हैं, तोड़ते क्यों हैं वो भी पता चला, ताकि किसी भी डायरेक्शन में अगर वेक्टर हो तो उसको स्टैंडर्ड एक्स और वाई डायरेक्शन में हम तोड़ दें, और जब सारे वेक्टर एक्स और वाई में टूट जाए तब तो वापस से जोड़ने को बोले तो सारे एक्स वाले को एक साथ जोड़ देंगे और सारे वाई वाले को एक साथ जोड़ देंगे, अपना कंप्लीट वेक्टर एक्स और वाई डायरेक्शन में निकल करके आ जाएंगे। देन रिजल्ट निकालना हो तो सीधा ओवर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, बहुत सिंपल। तो आगे चल करके ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, तो जरा इसको गौर से समझेंगे, वीडियो एक बार दो बार चार बार जितना बार मन करे देखो, और फिर से कोई दिक्कत हो रहा है पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या यहाँ यूट्यूब के माध्यम से भी कमेंट करके पूछ सकते हो, तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और सीरियसली आप लोग पढ़ाई करते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।